चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर चर्चा भतीजे एक हुए तो बीजेपी की रघुराज साक को सामना करना ही पड़ा। तो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से बता रहे हैं आपको, जहां पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव एक हुए हैं। अखिलेश यादव ने प्रसपा का सपा में विलय कराया है और उपचुनाव के में जीत के बाद अखिलेश चाचा को यह बड़ा तोहफा है। चाचा की प्रसपा और भतीजे की सपा एक हुए हैं, विलय हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से चाचा भतीजे एक हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा, बड़ा सियासी उलटफेर होगा, क्योंकि चाचा भतीजे एक हो चुके हैं और मैनपुरी की सीट जीतने के बाद में ये बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से है और चाचा का भतीजे को ये बड़ा तोहफा है, जहां पर दोनों पार्टी एक हो चुकी है। अब प्रसपा और सपा एक होगी, यानी कि दोनों पार्टी का विलय हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए किस प्रकार से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो लोगो है वो दोनों के हाथों में दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से ये विलय हुआ है देखिए तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन पर। और उपचुनाव जीत के बाद अखिलेश यादव को चाचा का ये सबसे बड़ा अब तक का तोहफा है, जहां पर सपा और सपा दोनों एक हो चुकी हैं। और इसी बीच शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सुन लीजिए। शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे सही समय का इंतजार था, देखिए वो समय आ चुका है, मैनपुरी की सीट सपा ने जीती और वो घड़ी आ गई, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई जिसका इंतजार शिवपाल सिंह यादव को था। बता दें कि परिवार और जनता की मांग आज पूरी हो चुकी है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। और अगली पंक्ति उन्होंने कही कि 2024 के लिए भाजपा को कड़ा संदेश है। देखिए 2024 की जो बिसात है अभी से बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और प्रसपा के जो अध्यक्ष रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने एक बड़ा संदेश बीजेपी को दिया है, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दोनों चाचा भतीजे एक हो चुके हैं और अब कड़ी टक्कर बीजेपी की और भी मिलेंगी। और चूंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े थे लखनऊ से, उन्होंने भी साफ संकेत में कहा कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे सपा की तरफ से। ये बड़ा बयान भी उनकी तरफ से दिया गया था। और दूसरी तस्वीरें हमने देखी कि किस प्रकार से प्रसपा और सपा दोनों एक हो चुकी है, चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, प्रसपा का विलय सपा में हो चुका है, दोनों चाचा भतीजे की तस्वीरें हमने देखी स्क्रीन पर, देखिए किस प्रकार से। और इसी बीच शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया कि मुझे सही समय का इंतजार था, मैनपुरी सीट जीतने के बाद में प्रसपा का सपा में विलय होना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है बीजेपी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये खास तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, किस प्रकार से चाचा और भतीजे एक हो चुके हैं। हालांकि संकेत तो पहले ही दे दिया था शिवपाल सिंह यादव ने, चूंकि डिंपल यादव के लिए उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया, उन्होंने सपा के लिए वोट मांगे और जब से नेताजी का निधन हुआ है तब से ही चाचा और भतीजे एक साथ दिखाई दिए हैं। कई मंचों पर शिवपाल सिंह यादव के पैर छूते हुए भी अखिलेश यादव दिखाई दिए हैं और ये बड़ा तोहफा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, चाचा की जो पार्टी है प्रसपा वो भतीजे की पार्टी सपा में विलय हो चुका है उसका। और ये तस्वीरें देखिए जो समाजवादी पार्टी का जो लोगो है, जो निशान है, जो चुनाव चिन्ह है, उसको हाथों में लेते हुए दोनों चाचा भतीजे की ये तस्वीरें देखिए, ये अब तक की सबसे बेहतर और बड़ी तस्वीरें हैं जो बड़ा संदेश देती है और बीजेपी सूबे के लिए भी ये बड़ा संदेश होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस संदेश को जान चुकी है, क्योंकि सपा के प्रवक्ता ने कह भी दिया है कि अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम पद के यानी कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे सपा की तरफ से। और हालांकि तस्वीरें और भी बाकी है, और भी कई मंजर देखने को मिलेंगे, अभी तो ये पहला पड़ाव है, अभी कई पड़ाव और भी बाकी है क्योंकि साल दो साल का वक्त है लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से सपा और प्रसपा का विलय हुआ, तो दोनों चाचा भतीजे सपा का लोगो, सपा का जो चुनाव चिन्ह है हाथ में लेकर की और एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। और तमाम बीजेपी के समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है।
और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सीनियर करेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। शशांक, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी को बड़ा संदेश है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुझे सही समय का इंतजार था, और चूंकि जो मैनपुरी लोकसभा सीट है अब वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई है, खाते में चली गई है, तो क्या इसी समय का शिवपाल सिंह यादव इंतजार कर रहे थे? जो तस्वीरें देखिए, निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ये भ्रम तोड़ दिया है कि शिवपाल सिंह यादव उनके साथ में जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो अटकलें चल रही थी अंदर खाने से कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव को केंद्र में भेज करके या राज्यसभा उम्मीदवार बना करके उनको परिवारवाद को तोड़ पाएगी, कहीं ना कहीं 2016 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की रार सामने आई थी और अखिलेश और शिवपाल अलग हो गए थे, मतभेद के साथ में मनभेद हो गया था, लेकिन आज वो जो मतभेद था वो मनभेद था वो खत्म हो गया। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया कि अखिलेश के साथ में नेताजी की जगह पे अगर शिवपाल सिंह यादव साथ में आएंगे तो वो हमेशा जीत जीत जीत। कई मंचों से शशांक हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा संकेत देते रहे, क्योंकि अब जब मैनपुरी में जो प्रचार प्रसार चल रहा था तो मंच से ही अखिलेश यादव ने चाचा के पैर छुए, तब भी ये जो मनभेद था यहाँ से दूर होना शुरू हुआ, और अब जो कि सपा के एक प्रवक्ता अभी हमसे जुड़े थे वो भी बता रहे थे कि अखिलेश यादव जो है लोकसभा चुनाव आगामी उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो क्या चाचा होंगे, क्या भतीजे होंगे, दोनों में क्या रहेगा और किस प्रकार से वो इस गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सपा को आगे बढ़ाएंगे, इस पर क्या रहेगा उसका स्टंट क्या रहेगा? मनीष, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी तक विधानसभा में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठे थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जो की अब शिवपाल सिंह यादव को हमें लगता है जल्द ही हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली उसमें घोषणा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सीनियर नेता होने के बाद में मुलायम सिंह यादव के बाद में अगर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव की कोई जगह नहीं ले सकता और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और खुद वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अब शिवपाल यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। और जो शुरुआत से शिवपाल सिंह यादव कहते आए हैं, सार्वजनिक मंचों से कहते आए हैं कि मन आहत होता है, उन्होंने अभी जो बयान दिया उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जो मैनपुरी की जनता और अगर जो वोटिंग की बात करें मैनपुरी में सबसे बड़ा अंतर जो आया है वो शिवपाल सिंह यादव यानी जसवंत नगर से आया जहां से वो विधायक है, सबसे यानी 1 लाख वोटों से ज्यादा जो एक ही बूथ है जो जसवंत नगर बूथ है वहां पे उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का अखिलेश के साथ में आना, चाचा भतीजे के साथ आना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जो चाहने वाले हैं जो उनके वोटर्स है बेस वोटर्स है उनके अंदर यही ये जो भ्रम था कि अब ये लोग एक नहीं हो पाएंगे, शायद इसका फायदा अब समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और यदि अखिलेश यादव बड़े निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी होगा। जी मनीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शशांक आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, प्रसपा का सपा में विलय हो चुका है, चाचा भतीजों ने ये कड़ा संदेश बीजेपी को दिया है। आज सही समय का इंतजार था, ये शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है, उन्होंने कहा कि मुझे सही समय का इंतजार था, परिवार और जनता की मांग आज पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो बीजेपी का जो बेस वोटर था उनमें कहीं ना कहीं और भी उत्साह हो गया है और अब बड़ा संदेश ये बीजेपी को है, बड़ा संदेश ये